दोस्तों, आप सब कैसे हो? आज मैं आपके साथ इस वीडियो में अंडमान एंड निकोबार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पोर्ट ब्लेयर का फ़ी स्ट्रक्चर शेयर करूंगी, इन डिटेल शेयर करूंगी। अब काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या यही एक करेक्ट फ़ी स्ट्रक्चर है। तो देखो यार, हर साल 10% इंक्रीमेंट फ़ीस में होता ही होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि थोड़ा बहुत फ़ी स्ट्रक्चर चेंज होता है। दूसरी चीज़ ये पूछते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। तो देखो, हर स्टेट के कॉलेजेस का अपना अलग अलग हिसाब होता है। कोई स्टेट के कॉलेजेस सेंट्रल स्कॉलरशिप्स होगी, जैसे इंस्पायर वगैरह, वो एक्सेप्ट करते हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आपकी स्टेट की, जैसे आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए, आपको स्कॉलरशिप मिली, तो आपको उसके थ्रू भी आप अपनी फ़ीस को मतलब कम हो जाती है आपकी फ़ीस। एंड तीसरा होता है कि अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग वगैरह नहीं है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो वहाँ, ठीक है ना। तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर डिडक्ट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला मैं आपके साथ वन टाइम क्वेश्चन फ़ीस, जो वन टाइम फ़ीस जो आपको पे करनी होती है वो बताऊंगी। तो एडमिशन फ़ीस है 5100, 5100 रुपये, मतलब 5100। स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड, हाँ, और इसमें कुछ फ़ीस रिफंडेबल भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो आपको आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको वापस मिल जाती है, 7500, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस चार्जेस 2700। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1250, ठीक है। तो पूरा टोटल क्या हो गया जो हमारा, ठीक है, 16550, जो आपको वन टाइम में ये पे करनी ही होगी एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन। यू हैव टू पे दिस, ठीक है। अब आ जाइए आप रिफंडेबल फीस, जो आपको बाद में फीस जो आपको वापस हो जाती है, ठीक है। आपका जब वो चल रहा होता है इंटर्नशिप, तब आपको वापस हो जाती है, मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब वापस हो जाती है, ठीक है। लेबोरेटरी सिक्योरिटी फीस जो 10000 रुपये है। मेस कॉशन डिपॉजिट 5000 रुपये। हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000 रुपये। लाइब्रेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000 रुपये। तो टोटल हो गया हमारा 25000 रुपये, ठीक है। और ये रिफंडेबल होती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। कोर्स आपको ये क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। चलिए अब जो लास्ट है वो है पर सेमेस्टर। कुछ कुछ कॉलेज वन टाइम में ले लेते हैं, कुछ कॉलेजेस की जो फ़ीस होती है वो पर सेमेस्टर। हमारे 2 सेमेस्टर्स हैं, ठीक है। तो हर सेमेस्टर की फ़ीस, तो 6 मंथ में कितनी है, तो पहले ट्यूशन फ़ीस वो है 18000 रुपये। कॉमन रूम 1250। कॉलेज मैगजीन 750। स्टूडेंट एलुमनाई एसोसिएशन 500 रुपये। एग्ज़ामिनेशन 3250, ठीक है। ये भी सब कुछ इसमें होता है। गेम्स 2000। कल्चरल 1250। लाइब्रेरी 2750। हॉस्टल रेंट 7800, ठीक है। और जो मेस चार्जेस है वो एडिशनल होता है, मतलब जितना आप खाओगे पियोगे उसके हिसाब से ही होता है, ठीक है। कुछ बच्चे थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, उनका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। वैसे तो ऐसे होते पर मील 30-40 रुपीज़ ही होती है, ठीक है। बाकी यार हर जगह का अपना हिसाब है। अगर मुझे और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ज़रूर बताऊँगी। तो इसका देखिए, इसका टोटल हो गया 37550 रुपीज़, ओके। अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितना है, तो तीनों को हमने मिलाया तो 79100 रुपीज़ बने, ठीक है। जिसमें से 25000 तो आपके वापस हो ही जाएंगे, और ये आपको एक ही बारी में पे करना होता है, ठीक है। बाद में आपको मिल जाते हैं, और ये आपकी 6 मंथ की फ़ीस है। अब आप देख लीजिए, इसमें क्या होता है ना, कुछ चीज़ें डिडक्ट भी हो जाती हैं, तो वो आप जब कॉलेज जाओगे आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या देना है। बट ये आपका कंप्लीट फ़ीस स्ट्रक्चर था। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सारे कॉलेजेस का, जो जो मुझे रिक्वेस्ट आई थी उन कॉलेजेस का बताइए, तो मैं आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।